हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए एक नया ब्लॉग के साथ में धमाका करने के लिए। आज हम लोग निकल पड़े हैं एक राइड पे, जो अच्छा खासा एक मंदिर जाने के लिए टेंपल। तो फिर सुनने में आया एक अच्छा खासा मंदिर है जहाँ में हम लोग गया नहीं है, तो फिर हम चलते हैं। आज आप लोग को भी दिखाते हैं जाके उस मंदिर को, बहुत अच्छा मंदिर है। तो अभी हम लोग को मिल गया ये ब्रिज, देखिए कितना छोटा सा ब्रिज है, कितना सुंदर है, दूर से बहुत अच्छा लगता है। इसके नीचे से ट्रेन जाता है। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं अरुणाचल में, अरुणाचल का लीखावाली में एंट्री कर चुके हैं। अभी लीखावाली का पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। इधर से ये पहाड़ी रास्ता है, आप लोग देख रहे हैं कितना छोटा सा रास्ता है। ये रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। और आप लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इस कारण कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चाहे कितना भी अच्छा रास्ता बना ले, जल्दी जल्दी ख़राब हो ही जाता है। अब ये ऊँचाई में चढ़ रहे हैं, थोड़ा ऊँचाई में चढ़ के फिर जाके नीचे उतरना है। पहाड़ी रास्ता में चलने का कुछ मज़ा अलग ही होता है, अच्छा लग रहा है जाने में। अब इधर से जाना है, वो लोग उधर चला गया यार, फिर रुकना पड़ गया हम लोगों को। ये लोग उधर चला गया, अभी रुकते हैं। यहाँ में लिखा हुआ साइन बोर्ड में, फिर भी देख नहीं रहे। एरो किया हुआ है इधर जाने के लिए, रास्ता लिखा हुआ है, साइन बोर्ड है, वो लोग फिर उधर चला जाता है, फिर उसको बुलाना पड़ रहा है। अभी आ रहा है, आ गया, अभी फिर चलता है। ये रास्ता देखो कितना टूटा हुआ रास्ता है, कितना अच्छा रास्ता था ये, अभी पूरा एकदम टूट के ख़त्म हो चुका है। किसको क्या बोले और बताओ, अभी बारिश रास्ता को ख़राब कर देता, अभी क्या बोलेगा किसको, बहुत ज़्यादा ही ख़राब रास्ता है यार। फिलहाल मैं स्लो ही जा रहा था, इसलिए कि वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए कि इसको शॉर्ट कर देने के खातिर मैंने इसको स्पीड बढ़ा दिया। आज जहाँ में हम लोग जा रहे हैं, ये काफ़ी पुराना मंदिर है, और इस मंदिर में बहुत ज़्यादा मानसिकता आदमी करता है, मानसिक करता है कि इसलिए वो हमें मानता है बहुत आदमी। तो आप भी आइए यहाँ में, या मैं आके आप लोग भी कुछ पूजा पाठ कीजिए, और आप लोगों का मन का जो भी इच्छा है इसमें बोलिए तो वो फलता है, बोलता है सब कोई। तो हम लोग भी चलो आ गए आज पूजा करने के लिए। हमें थोड़ा पूजा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आज हम लोग सुबह थोड़ा नॉनवेज हो गया, नॉनवेज के चक्कर में हम पूजा नहीं करेंगे। तो आप लोगों को दिखा देंगे कि आप लोग भी आइएगा और पूजा पाठ कीजिएगा हमें आके। रास्ता देखिए ना, क्या रास्ता है, देखिए क्या पानी वानी वगैरह रखा है, बारिश हो रहा था। अरे यहाँ में बारिश कभी भी आ जाता है, कोई भरोसा नहीं है बारिश का, कोई भी टाइम में आ जाता है। ये साइन बोर्ड देख रहे हैं, सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, लिखावली का साइन बोर्ड है, ये अरुणाचल प्रदेश का ही साइन बोर्ड है। मतलब पार हो गया हम लोग उधर से, मालिनी मंदिर का है, मालिनी थान अरुणाचल प्रदेश स्टेट। सुनने में आया कि मालिनी मंदिर के ऊपर में और एक मंदिर है, जो मंदिर में चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ऊंचाई में है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उस मंदिर में भी जाए। रुक्मिणी मंदिर, रुक्मिणी माँ का, माता का मंदिर है ऊपर में, तो वहाँ में भी जाके आप लोगों को दिखाऊँगा मैं कैसा है वहाँ का नज़ारा कैसा है। और हम लोग आ गया पार्किंग प्लेस में, मालिनी मंदिर का पार्किंग प्लेस में बाइक रखते हैं, उसके बाद में निकल पड़ते हैं, फिर चलते हैं वहाँ से। अब थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहे हैं ऐसे लग रहा है मेरे को। तो अंदर घुसने के लिए टिकट लेना पड़ता है, 15 रुपये करके पर हेड टिकट होता है, तो टिकट लेने के लिए भेजा है, फिर चलते हैं अंदर। ये कितना बड़ा है, ऊपर में जाने का रास्ता हो गया इधर से। नमस्ते। और पार्किंग प्लेस भी है, बहुत अच्छा खासा पार्किंग प्लेस है इधर में। अभी आया ये सावन का पास, पानी डालना है ना, पूजा करना है शायद, वो पानी चढ़ना आया। तो आ गया मालिनी थान, तो ये देखिए गेट है, मालिनी थान का गेट है। Your destination is on the left. हाँ पता है, अभी चलो घुसते हैं। बैग टू भी यहाँ मेरा देता है ना, रख दे लेके, तू उसको लेके आराम से बैठा रहे, बैग सुख सब लेके बैठा रहे, बैग टू भी तो ले रहे। अभी हम लोग अंदर आ गया, अभी चलो ऊपर तक जाता है रास्ता। हाँ हाँ, देरी नहीं करेगा यार, क्या देरी करेगा यहाँ में, और भी कहाँ कहाँ जाना है हमको। ये काफ़ी पुराना है, सुनने में आया कि 300-400 साल पुराना है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन सच में है बहुत पुराना मंदिर है, ये नया नहीं है। इस पर जो रास्ता बनाया हुआ है ना, देखिए घुमा घुमा के रास्ता बनाया हुआ है। श्री वगैरह को भी एंगल से पूरा ब्लॉक किया हुआ है, ये पत्थर का सीढ़ी है, पुराना वाला सीढ़ी है, सब पत्थर का है। ज़्यादा ही खराब कर रखा है,
यार इतना ज़्यादा खारा कैसे बनाता है श्री। क्लिप वो नीचे से देखिए, नीचे से इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर करके आ रहे हैं, फिर इधर जाता है, अब इधर से जाके फिर कहाँ जाए। ओह माय गॉड इतना खड़ा सीढ़ी बना दिया यार। यहाँ से ही है लेकिन इतना खड़ा सीढ़ी, ये उठने के बाद हालत टाइट हो जाता है। ये क्या हो, मंदिर का रिपेयरिंग चल रहा है। ओह माय गॉड इसके बारे में बता देते हैं। इसका चैप्टर नहीं है, कैप्चर कर ले। नंदी नंदी महाराज ये जो माता जी का जो मूर्ति है, ये भी ज़मीन का नीचे से उठा, खुद से उठा है। तो इस मंदिर का जो इतिहास है ना, बहुत अच्छा है। मैंने सुना है यार, मेरे को इसके बारे में पता भी नहीं था। अभी पता करने के लिए मैं कुछ आदमी से बात किया। फिलहाल आ चुके हैं, तो चलो प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में प्रसादी लेते हैं। प्रसादी लेके थोड़ा पीछे से जाके दिखाते हैं, पीछे का जो क्या सीन है पीछे में, बहुत अच्छा लगा। पीछे में जो बना हुआ है ना, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ बहुत पुराना है। सब थान का एक चक्कर लगाता है, ये देखिए पुराना पुराना है, सब पत्थर है, बहुत पुराना पुराना है, ये काफी पुराना है। जो पत्थर दिख रहा है वो बहुत पुराना पत्थर है, और इधर में भी रखा हुआ है, काफ़ी सारा रखा हुआ है। पता नहीं इसका इतिहास क्या है, लेकिन हम उसको गूगल से निकल के देखते हैं, इसके बारे में पता करते हैं, उसके बाद में आपको पता था किस टाइप का होकर क्या चीज़ है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मेरे को मालूम नहीं है इतना कुछ। फर्स्ट टाइम आने के बाद मुझे अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा लगा। और भी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस साइड का जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी इधर का तो ऊपर का रास्ता सही है, अभी जाए इधर का नज़र देखिए, उस साइड में भी काफ़ी कुछ पुराना है, बहुत पुराना है। कैमरा में पता नहीं चलता है रास्ता कितना खारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही खारा है। ये सीढ़ी जो है ना, इतना बड़ा बड़ा स्टेप है, सीढ़ी का ऊंचाई ऊंचाई है, काफ़ी ऊंचा में मंदिर सुनने में। इसलिए मेरा दोस्त जो है ना, वो एक नीचे रहेगा, ऊपर नहीं चढ़ रहा, बोलता है हम नहीं जाएगा, इसलिए हमको पता है बहुत ऊपर में चला जाना मतलब नामुमकिन का बराबर होता है, हालत ख़राब हो जाता है, सांस चढ़ जाता है ऐसा लगता है। तो इसलिए वो आया नहीं, तो हम लोग तीन आदमी आए हैं, हम आया, राजा आया और एक भैया आया साथ में। तो जो ऊपर से एक अच्छा व्यू मिलता है देखने के लिए, उधर में पहाड़ है, उस साइड में मंदिर, तो उस साइड में पता है सुनने में कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है। तो देखो उधर, देखो एक सामने एक ट्राइबल औरत जा रहा है, जो बच्चे को पीठ में लेके जा रहा है बांध के,
कितना अच्छा लगता है देखने में, इतना ऊंचाई में चढ़ रहे हैं ना, और हम लोग सिंगल चढ़ने में इतना फट रहे हैं यार, वो डबल लेके जा रहा है यार, बच्चा को गोद में लेके जा रहा है पीछे। टैलेंट होता है ना औरत लोग का, बहुत टैलेंट होता है यार, ताकत भी बहुत ज़्यादा होता है। राजा ऐसे दौड़ के गया ना, औरत डर गया उसको लगा क्या हो गया, भाग रहा है साला, ये देखो कितना खारा सीढ़ी है ना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, पूरा खारा सीढ़ी है एकदम, ऐसे लगता है देखते हुए। हम लोग जब चढ़ा ना ऊपर में, हम लोग हालत ख़राब हो गई यार, देख के ख़राब हो गया, तो क्या चढ़ेगा इतना ऊपर में। और सीढ़ी का जो स्टेप इतना ऊँचा ऊँचा है ना, मतलब उतरने का टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, चढ़ने में जैसे दिक्कत है ऊपर उतरने में इतना दिक्कत है। और फिर सीढ़ी ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा लगता है कितना चढ़ेगा कितना चढ़ेगा, चढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ऊपर वाला जो मंदिर है वो भी काफ़ी पुराना मंदिर है, और उसका भी बहुत अच्छा खासा मतलब सुनने में आता है, नाम है बहुत अच्छा है, और वहाँ में भी मानती करता है आदमी, बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा पाठ करता है, अच्छा है, अच्छा लगता है। पुराना जो इतिहास छुपा हुआ है, सब जगह है इतिहास से कनेक्टेड है, अच्छा लगता है। ऊपर से देखो नीचे का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे बारिश पीछा नहीं छोड़ेगा शायद, ऐसे लग रहा है, उधर सूर्य से बारिश हो रहा था ऐसे देख रहे, फॉग था उस साइड, चलता है ऊपर। इधर में पूरा सीढ़ी गीला होकर रखा है एकदम, सही होकर रखा है, चलो आ गया मंदिर। अभी आगे रुक्मिणी मंदिर, तो चलते हैं आगे, आगे जगह दिखाता है मंदिर कैसा है। शांत पूरा साइलेंट वाला मंदिर, ये पार है मस्त सुने, पूरा सीन मस्त है। उधर में बारिश हो रहा है, पूरा बारिश हो रहा है। तो आज आप लोगों को मैंने दो मंदिर एक साथ में दिखा दिया, रुक्मिणी माता का मंदिर और मालिनी मंदिर, दोनों मंदिर एक साथ में ब्लॉग में दिखाया। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़, तब जाके आगे और अच्छा अच्छा वीडियो दूंगा मैं। तो अभी यहाँ से उतरते हैं, अभी नीचे वो भी वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से उतरने का जल्दी जल्दी निकलता है यहाँ से, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हम लोग को और एक जगह जाना है। साला चढ़ने का टाइम में तो बैलेंस था, अभी उतरने का टाइम में बैलेंस नहीं बन रहा है, इतना गंदा हालत हो गया मगर कि हम उतरने के टाइम में इतना डर लग रहा है मेरे को, गिर ना जाए आगे, गिर ना जाए ऐसा लग रहा है, इतना ज़्यादा स्टेप, इतना डाउन स्टेप है, उतरने का टाइम में जैसे इतना अप स्टेप था। तो हम लोगों को बहुत दूर जाना है, और यहाँ से अभी फिर 150 किलोमीटर करीब करीब जाना है, 120 का आस ऐसे लग रहा है, 120-150 के आसपास में होगा। तो यहाँ से निकल पर चलता है जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, रात को जाना पड़ जाएगा। हम लोग सुबह निकलते हैं, रात को जाते हैं घर तक, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड हो जाता है, 500 किलोमीटर के आसपास में हो जाता है राइड हो जाता है, जो हम लोग कभी भी कोई जगह जाता है तो ऐसा लगता है। तो फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अरे प्लीज़ इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, तो आप लोग और अच्छे अच्छे कुछ जगह देखने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, ओके बाय बाय।